नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के सेक्टर 12 में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम को इस समय लाइव तस्वीरों में, जहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। लेकिन आपने अक्सर ज़रूर देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीम तो तब आती है जब कोई आपदा आ जाती है किसी तरीके की। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आज यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो होनी है, जिसको लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुँची हुई है सेक्टर 12 में, जो जिला सचिवालय के अंदर। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ भी जो है हुई हैं। और आज बता दें कि एनडीआरएफ की टीम कई सारी, यानी कि जिसको एनडीआरएफ को हम कह दें नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, जो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में सबकी सहायता करने के लिए पहुंचती है और किसी भी तरीके की समस्याओं में लोगों को फिलहाल बचाने का काम करती है। जैसा कि पहले भी करनाल शहर में जब बाढ़ की स्थिति आई थी तो एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया था। लेकिन बता दें कि आज बाढ़ नहीं, बल्कि आज जो भूकंप जो एक आपदा जो कई बार अचानक आ जाती है, उससे ये कैसे बचाती है, ये आज मॉक ड्रिल के ज़रिए आपको दिखाया जाएगा कि अगर कहीं पर भूकंप आ जाए तो फिर एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से बचाएगी, किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। और फिलहाल आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। करनाल के जिला सचिवालय से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल पूरी की पूरी जो फोर्स है जो एनडीआरएफ की, वो यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से पहुँची हुई है। और देख सकते हैं कि बाकायदा उन्हें जो कमांड देने वाले जो ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर हैं। और आज भूकंप से किस तरीके से वो बचाव करते हैं, अगर अचानक से भूकंप आ जाए किस तरीके से लोगों को बाहर निकालेंगे, किस तरीके से जो है यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स रहेगा, किस तरीके की उनकी ट्रेनिंग रहती है, वो आज भूकंप की वो प्राकृतिक आपदा जो कई बार लाखों लोगों की जानें भी ले लेती है, तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। और आज फिलहाल करनाल के जिला सचिवालय से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर एक सायरन की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, ये जिला सचिवालय में, जहाँ पर अचानक से अगर भूकंप आ जाए तो कैसे एनडीआरएफ की टीम जो है पहुँचती है, कैसे सब कुछ किया जाता है, ये देख सकते हैं जिला सचिवालय की तस्वीरें सीधी आपको दिखाने की कोशिश जो है प्रयास जो है फिलहाल कर रहे हैं। और पीछे सायरन भी देख सकते हैं बजाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग से सभी के सभी जो लोग हैं जिन्हें सायरन के ज़रिए यहां पर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अचानक से अगर भूकंप आ जाए तो फिर ऐसे ही लोगों को भागते हुए बाहर जो है फिलहाल आना होगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बाहर निकलेंगे और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। देख लीजिए, लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें अचानक से भूकंप आ जाए तो फिर किस तरीके से लोगों को फटाफट से रिएक्ट करना है और बाहर आना है बिल्डिंग से, और एनडीआरएफ की टीम जो है कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो भी सीधा आपको हम दिखाने का प्रयास जो है फिलहाल करेंगे। फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से जो सैकड़ों लोग जो है वो बिल्डिंग से फिलहाल बाहर आ रहे हैं। इस समय सरकारी बिल्डिंग है जिला सचिवालय की और एनडीआरएफ की टीम जल्दी ही जो है रिस्पॉन्ड जो है वो करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो एक तरफ जो है यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जो बिल्डिंग से सभी लोग इस समय निकले हैं तस्वीरों में, और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो सभी लोग हैं फिलहाल यहाँ से बाहर आते हुए आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। इसी तरीके का जो रिएक्ट है वो होता है। साथ ही साथ देख लीजिए, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल है आप पीछे की ओर देख पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर किस तरीके से पहुँची हुई है। तो इस तरीके का पूरा ऑपरेशन ये रहता है और अभी भी लगातार जो है इसको सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे बचाव किया जाएगा, कैसे रिएक्ट किया जाता है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। ये देख सकते हैं कि इधर से किस तरीके से जो तमाम चीज़ें आज एनडीआरएफ, तो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हुई आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और किस तरीके से पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स रहता है वो आप इस समय तस्वीरों में ज़रूर देख रहे हैं।
तो आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और लोगों को बचाने का कार्य जो है फिलहाल यहाँ पर किया जाता है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ गए अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।